चलिए जानते हैं पिट सेफ्टी कमेटी के बारे में। क्या होती है पिट सेफ्टी कमेटी? पिट सेफ्टी कमेटी जिस खान में 100 से अधिक व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स काम करते हैं, वहां पर पिट सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है, पिट सेफ्टी कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा फ्रेंड्स? मैनेजर। पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी सचिव कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, राइट फ्रेंड्स। अगला, मैनेजमेंट के प्रतिनिधि इसमें 5 रहेंगे और वर्क यूनियन के 5-10, अध्यक्ष सेक्रेटरी और वर्कमैन इंस्पेक्टर को मिलाकर इस तरह पिट सेफ्टी कमेटी में सदस्यों की संख्या 13 होती है फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। चलिए पिट सेफ्टी कमेटी के कार्य देखते हैं क्या क्या होते हैं। पिट सेफ्टी कमेटी के कार्य असुरक्षित भागों व कार्यों की चर्चा करेंगे, नई मशीनरी या क्षेत्र की सुरक्षा में चर्चा करेंगे, एक्सीडेंट पर चर्चा करेंगे, 30 दिन में कम से कम एक बार मीटिंग करेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, 15 दिनों में सचिव सुधारों की जानकारी देंगे, राइट फ्रेंड्स। ये है पिट सेफ्टी कमेटी के कार्य। अगला, 9वीं सुरक्षा सम्मेलन में सुझाव क्या दिया गया था? 100 या 100 से अधिक कामगार जहां रहेंगे तथा मशीनों से काम होता हो वहां पर, मशीनों मतलब मैकेनाइजेशन के द्वारा काम होता हो वहां वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हर डेवलपमेंट और सेक्शन की अलग अलग सेफ्टी कमेटी बनाएंगे। सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और सेफ्टी कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है, और इन्हें विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने पिट सेफ्टी कमेटी के बारे में जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किपिंग ऑफ पोल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और किससे अनुमति लेते हैं। चलिए देखते हैं, स्लिपिंग ऑफ पोल के लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की अनुमति लेना होगा। अगर हम स्लिपिंग होल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। चार्जिंग होल और ड्रिलिंग होल के बीच हमेशा 2 होल का गैप बनाकर रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो चार्जिंग होल होता है और ड्रिलिंग होल, उनके बीच हमेशा 2 होल का गैप होना चाहिए डिस्टेंस। स्लिपिंग होल की ब्लास्टिंग जहां पर तावेल चलती है वहां पर 7 दिन में और जहां पर ड्रैग लाइन चलती है वहां 15 दिन के अंदर ब्लास्टिंग हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। होल चार्ज करने के बाद जो कॉर्डेक्स होता है जिसे पलीता बोला जाता है, वो थोड़ी सी मिट्टी निकालकर उसको अंदर दबा देंगे, राइट फ्रेंड्स। फिर हर होल के ऊपर एक लाल झंडी लगा देंगे ताकि समझ में आए कि हाँ ये स्लिपिंग होल है। रात के समय में फ्रेंड्स लाल केप लैंप लगा देंगे जहाँ पे हमारा स्लिपिंग होल है। होल चार्जिंग किए है कि 60 मीटर के अंदर आग या वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्लिपिंग होल से कितने मीटर की दूरी पर हम ना आग लगाएंगे ना ही वेल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है, 60 मीटर की डिस्टेंस में, ठीक है। जिस दिन ब्लास्टिंग करना है उसके 2-3 दिन पहले मैनेजर एजेंट को खबर करेगा। जिस दिन ब्लास्टिंग करेंगे उसी दिन सभी कनेक्शन जोड़ेंगे फ्रेंड्स, पहले से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे स्लिपिंग होल में, ध्यान रखना। जिस दिन ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसी दिन हम कनेक्शन सभी जोड़ेंगे और फिर ब्लास्टिंग करेंगे। इसी कारण बस ब्लास्टिंग करना उस दिन संभव नहीं है तो फ्रेंड्स रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर देंगे कि ब्लास्टिंग नहीं होगा, उसकी खबर रीजनल इंस्पेक्टर को जरूर देंगे, ठीक है। फिर स्लिपिंग ऑफ होल की देखरेख कौन करेगा? ACM UM करेंगे। ACM मीन्स असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर, UM अंडर मैनेजर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हॉट स्टार्टर के बारे में भी जानते हैं हम। हॉट स्टार्टर क्या होता है फ्रेंड्स? हॉट स्टार्टर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान वाले होल को हम क्या कहते हैं? हॉट स्टार्टर कहते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब देखते हैं इससे सावधानी क्या क्या लेना चाहिए हॉट स्टार्टर आदि हो जाए होल तो 80 डिग्री से अधिक हो जाए तो। सावधानियां, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान वाले होल में बारूद नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना, राइट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान जिस होल का हो जाता है उसमें पानी भरेंगे, 24 घंटे बाद उसका तापमान लेंगे, राइट फ्रेंड्स। यदि पानी होल में नहीं रुकता है तो पेंटोलाइट पदार्थ मिलाकर पानी में भरेंगे, फिर भी पानी नहीं रुकेगा तो हम एस्बेस्टॉस पाइप द्वारा डालकर पानी भरेंगे, ओके फ्रेंड्स। तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर बारूद चार्ज करेंगे, बारूद कब चार्ज करेंगे, होल का तापमान जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर ही हम बारूद चार्ज करेंगे, ठीक है, हॉट स्टार्टर जो होल होता है उसमें। फ्लेरी बारूद ही उपयोग करेंगे फ्रेंड्स, होल में डेटोनेटर नहीं डालेंगे, ठीक है, स्लेरी बारूद ही हम उपयोग करेंगे, होल में डेटोनेटर नहीं डालेंगे। स्लेरी बारूद के ऊपर एक बूस्टर डालेंगे, ठीक है, होल चार्ज होने के 2 घंटे के अंदर ब्लास्टिंग कर देंगे फ्रेंड्स। यह पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हमने होल चार्ज कर दिया है तो उसे कितने घंटे के अंदर हमको ब्लास्टिंग कर देना चाहिए, तो 2 घंटे के अंदर ब्लास्टिंग कर देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जहां पर हॉट स्टार्टर होल की ब्लास्टिंग करना होगा उसकी देखरेख असिस्टेंट कॉलरी मैनेजर और अंडर मैनेजर करेंगे, ठीक है। हॉट स्टार्टर के हर होल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, तूफान में बिजली का चमकना सावधानी रखेंगे, ठीक है। कोई भी बारूद या टोपी का कॉर्डेक्स होल में नहीं डाला जाएगा, कोई भी होल चार्ज कर रहे हो तो उसे बंद कर देंगे, इसमें कॉर्डेक्स को होल के अंदर डालकर मिट्टी से ढक देंगे एवं एक पत्थर उसके ऊपर रख देंगे ताकि सीधे बिजली कॉर्डेक्स को ना मिले, ठीक है। जो कनेक्शन आप ये है उसे काट देंगे और होल के अंदर मिट्टी को ताकर कॉर्डेक्स को दबा देंगे और बारूद और टोपी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। कब की कंडीशन, जब तूफान में बिजली का चमकना होता है तब के लिए ये सावधानी रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। लैग ऑन इग्निशन किसे कहते हैं, लैग ऑन इग्निशन किसी भी चीज को जलने या जलाने में जो समय लगता है फ्रेंड्स उसे ही हम लैग ऑन इग्निशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लैग ऑन इग्निशन किसे कहते हैं, किसी भी चीज को जलने या जलाने में जो समय लगता है उसे ही हम लैग ऑन इग्निशन कहते हैं। तो यह था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो सेफ्टी कमिटी के बारे में और स्लिपिंग ऑफ होल के बारे में, हॉट स्ट्राटा के बारे में, लास्ट में लैग ऑन इग्निशन के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा चैनल का मेन उद्देश्य है माइनिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।